नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आशाओं से भरी हुई है और पेपैल के क्रिप्टो फ्रेंडली मूव से उनकी कीमतें ऊपर चली गई हैं। कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि ग्लोबल ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर अपने यूएस डॉलर पेग स्टेबल कॉइन पेपैल यूएसडी के साथ क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में प्रवेश कर रहा है। PYUSD न्यूयॉर्क स्थित क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म पैक्सिस ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाएगा। VDS के आसपास ऑप्टिज्म ने लीडिंग प्रोटोकॉल्स को असुविधा और अनिश्चितता के पिछले कुछ सेशंस को उलटने में मदद की। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है, हालांकि ये नैरो रेंज में बनी हुई है और कीमतें बमुश्किल केवल 1% की नैरो रेंज के साथ $29,100 के मार्क को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रही है। हाल ही में BTC पिछले 24 घंटों में 0.67% ऊपर यानी $29,195.16 के करीब ट्रेड कर रहा था। BTC पिछले दो हफ्तों में $29,000 से $29,500 के स्तर के बीच फंसा हुआ है, जबकि वह बाहरी घटनाओं से प्रतिरक्षित है जो आमतौर पर कीमतों को प्रभावित करेगी और इसकी एसेट्स पर असर डालेंगी। मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो ईथर ने भी पार्शियल रिकवरी की है। ये हाल ही में 0.3% की बढ़त के साथ $1,832.41 पर ट्रेड कर रहा था। ये लाभ का पहला दिन है क्योंकि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कर्व एक्सप्लॉइट के बाद अन्य ऑल्ट कॉइन्स के लिक्विडेशन प्रेशर का खामियाजा भुगतना पड़ा। टेक्निकल एनालिस्ट का सुझाव है कि BTC की कीमतें समान रूप से संतुलित हैं और बुल्स और बेयर्स दोनों नियंत्रण में रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा अस्थिरता के बीच BTC इस हफ्ते $27,300 और $26,300 के स्तर तक संभावित गिरावट से पहले $30,400 के दायरे तक पहुंच सकता है। पॉपुलर मीम कॉइन डोज XRP के नेतृत्व में अन्य क्रिप्टो ने डाउनवर्ड स्पाइरल बनाए रखा है, जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म कार्डानो, सोलाना और पॉलीगॉन के टोकन ADA, सोल और मैटिक गति हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.15% बढ़कर $1.16 trillion हो गई। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 59.19% बढ़कर $32.95 billion हो गई। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.85 billion है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $30.89 billion है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमशः 8.64% और 93.74% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.16% बढ़कर 48.82% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप टोकन का बैरोमीटर 0.11% बढ़कर 38,339 पर पहुंच गया। इस बीच सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज साइफर को किसी एक्सप्लॉइट या सिक्योरिटी इंसिडेंट के कारण क्रिप्टो में करीब $1 million का नुकसान हुआ। दूसरी ओर एप्टोस ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन APT इस हफ्ते के अनलॉक से पहले सर्कुलेटिंग सप्लाई के 2% से अधिक नीचे गिर गया है। टोकन अनलॉक्स के डेटा से पता चलता है कि लगभग $30 million वर्थ के 4.5 मिलियन से अधिक APT टोकन शुक्रवार को अनलॉक किए जाएंगे। 5 तिमाहियों के घाटे के बाद सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन का विजन फंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित रिकवरी की बदौलत लाभ कमाने के लिए तैयार है, जिससे स्टार्टअप का वैल्यूएशन बढ़ रहा है। विजन फंड इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी में पिछले 2 फिस्कल ईयर्स में $48 बिलियन का घाटा झेलने के बाद जापानीज कंग्लोमरेट अपनी स्थिति बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक्सपर्ट की अपेक्षाओं के औसत के अनुसार एनालिस्ट को जून में समाप्त होने वाले 3 महीनों के लिए फंड में मामूली लाभ की उम्मीद है, जबकि सॉफ्टबैंक को मंगलवार को लगभग 73 बिलियन के लाभ का खुलासा करने का अनुमान है। आर्म लिमिटेड की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स ये निर्धारित करेगी कि क्या सॉफ्टबैंक के फाउंडर मासायोशी सन अब हमले पर जा रहे हैं और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं। सितंबर की शुरुआत में मार्केट डेब्यू के साथ उनके चिप डिजाइनर को $60 बिलियन से $70 बिलियन के वैल्यूएशन पर $10 बिलियन तक जुटाने की उम्मीद है। अगर आम अपने फंडरेजिंग गोल तक पहुंच जाती है तो ये अब तक की सबसे बड़ी टेक डेब्यू के रूप में मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन और अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड को पीछे छोड़ देगी। लीडिंग IT जॉइंट टेक महिंद्रा ने अपने 8,000 कर्मचारियों को इस विषय में ट्रेनिंग देकर AI फील्ड में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ये कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि वह जनरेटिव AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सॉल्यूशंस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार है। टेक महिंद्रा के ग्लोबल चीफ पीपल ऑफिसर और हेड ऑफ मार्केटिंग हर्षवेंद्र सोइन ने विकास को गति देने में AI की भूमिका को रेखांकित करते हुए महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज और रीजन्स पर कंपनी के फोकस पर चर्चा की। टेक महिंद्रा विशेष रूप से USA में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रदान करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और AI में इन्वेस्टमेंट्स शामिल है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थर्ड एनिवर्सरी मनाने के लिए हैंड्स ऑन AI फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस प्रोग्राम शुरू किया है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य यूथ और प्रोफेशनल्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए AI एजुकेशन का को डेमोक्रेटाइज करना है और राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में 1,00,000 लोगों को शिक्षित करना है। कोर्स थियोरेटिकल फाउंडेशंस और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग को जोड़ता है। IIT खड़गपुर के डायरेक्टर VK तिवारी द्वारा शुरू किया गया AI सर्टिफिकेशन कोर्स 2 सितंबर को शुरू होगा और 2 दिसंबर को समाप्त होगा। कोर्स फीस 4,998 रुपये है। ये कोर्स फ्रेशर्स, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और इंडिविजुअल के लिए खुला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स AI/ML इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स शामिल हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन ai4icps.in या TCS AON वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। क्रिएटर्स को सशक्त बनाने और वैश्विक स्तर पर बिलियंस ऑफ Web3 यूजर्स की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रेनिक ब्लॉकचेन के सॉल्यूशंस के एक कटिंग एज सेट का अनावरण किया है। अपने एक्सलेंट स्केलेबिलिटी, फास्ट परफॉर्मेंस और एक्सट्रीमली चीप फीस के साथ रेनिक ब्लॉकचेन दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। रेनिक की स्केलेबिलिटी और कम ट्रांजैक्शन फीस इसे यूजर्स के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म बनाती है। ये ज्यादातर Layer 1 ब्लॉकचेन को पीछे छोड़ते हुए पर सेकेंड हजारों लेन देन का समर्थन करता है। ये अफोर्डेबिलिटी यूजर्स को एक्सेसिव कॉस्ट के बिना फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करने की अनुमति देती है, जिससे नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं। रेनिक रेमिटानो, ओनस, एल बैंक, BKEX और बिटमार्ट जैसे प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस पर भी अवेलेबल है, जो ट्रेडिंग के लिए एक्सेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार करता है। भारत अपने बड़े डेवलपर टैलेंट पूल के कारण Web3 प्रोजेक्ट्स के लिए एक पॉपुलर स्टार्टअप हब बन रहा है। नवंबर में स्थापित भारत Web3 एसोसिएशन का उद्देश्य इंडस्ट्री के प्लेयर्स और गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करना है। PWA का मानना है कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज के टैक्स फ्री चीप अल्टरनेटिव्स के कारण इंडियंस DeFi एक्सपेरिमेंट्स बढ़ा सकते हैं। लोन्स और एक्सचेंज सहित इसकी बढ़ती संख्या और यूज केसेस के कारण भारतीयों की DeFi सेक्टर में रुचि बढ़ी है। व्यक्तियों और रिटेलर्स के लिए DeFi ट्रांजैक्शंस की हाईएस्ट वैल्यू भारत में है, जो क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भेजे गए रेमिटेंसेस की बड़ी वॉल्यूम से प्रेरित हैं। भारत DeFi को सबसे तेजी से अपनाने वाले ग्लोबल देशों में से एक है, जो MSME सेक्टर और बैंक्स तक पहुंच पाने में असमर्थ लोगों तक क्रेडिट एक्सेस का विस्तार करके वित्तीय समावेशन में सुधार कर सकता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से इस महीने के अंत तक अपने क्रिप्टो रूल्स के सजेशंस पर एक सिंथेसिस पेपर प्रस्तुत करने की उम्मीद है। PayPal ने अपनी क्रिप्टो सर्विसेज का विस्तार करने और कस्टमर्स को अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए अपना खुद का क्रिप्टोकरेंसी स्टेबल कॉइन PayPal USD लॉन्च किया है। पैक्सिस ट्रस्ट कंपनी द्वारा जारी स्टेबल कॉइन US डॉलर डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स और समान कैश इक्विवेलेंस द्वारा समर्थित है। ये US डॉलर्स के मुकाबले 1:1 की रेट पर रिफंडेबल है और पैक्सिस ट्रस्ट कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। 7 अगस्त से US PayPal कस्टमर्स जो PayPal USD खरीदते हैं, वे किसी भी समर्थित क्रिप्टोकरेंसी को PayPal USD में कन्वर्ट करने में सक्षम होंगे। इथेरियम ब्लॉकचेन पर जारी किया गया ये ERC20 टोकन कंज्यूमर्स, मर्चेंट्स और डेवलपर्स के लिए फियाट और डिजिटल करेंसीज को जोड़ता है। इसका व्यापक रूप से एक्सटर्नल डेवलपर्स वॉलेट और Web3 एप्स द्वारा उपयोग किया जाता है और एक्सचेंजेस द्वारा इसे आसानी से अपनाया जाता है। PayPal USD रिजर्व्स, US डॉलर डिपॉजिट्स, US ट्रेजरी बॉन्ड्स और समान कैश इक्विवेलेंट्स द्वारा समर्थित है। इसे PayPal के माध्यम से $1 पर PayPal USD की रेट पर खरीदा या बेचा जा सकता है। ऐसा लगता है कि बाइनेंस ने भी एक बार प्रमुख स्टेबल कॉइन को छोड़ दिया है, जो डॉलर से जुड़ी थी और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज द्वारा पेश की गई थी। DeFi लामा के डेटा के अनुसार पिछले महीने में BUSD के मार्केट वैल्यू में 16.14% की कमी आई है। USDT डोमिनेशन के कारण अन्य वेल नोन स्टेबल कॉइन्स की तुलना में BUSD अंडर परफॉर्म कर रहा है। ब्लॉकवर्क्स की रिपोर्ट है कि रविवार 6 अगस्त को टेथर की लीडिंग स्टेबल कॉइन का मार्केट शेयर 67.17% है। एक्सचेंज में एक साल के भीतर 97 BUSD ट्रेडिंग पेयर्स लिस्टेड थे। ये संख्या 300 से भी अधिक तक पहुंच गई। पैक्सिस ने फरवरी में बाइनेंस के साथ अपनी पार्टनरशिप समाप्त कर दी और न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के रिक्वेस्ट पर BUSD मिंटिंग बंद कर दी। बाइनेंस के CEO चैनपिंग जाओ ने दावा किया कि NYDFS ने संभावित सप्लाई को $23 बिलियन तक सीमित कर दिया है, जिसे उन्होंने प्रतिद्वंदी USDT की वृद्धि से लिंक किया है।
बाइनेंस ने BUSD पर अपना रुख बदल दिया है, 8 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स को हटा दिया है और 352 USDT ट्रेडिंग पेयर्स की तुलना में सिर्फ 289 पेयर्स लिस्ट किए हैं। डेटा से पता चलता है कि अकेले पिछले साल में BUSD सर्कुलेटिंग सप्लाई में लगभग 81% की गिरावट आई है। वाइबिट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगस्त में अपना खुद का ब्लॉकचेन WB नेटवर्क लॉन्च किया। ये लॉन्च ट्रांसपेरेंट यूजर ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर फास्टर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कम फीस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदान करता है। सिर्फ 4 वर्षों में वाइबिट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें WB नेटवर्क एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य कर रहा है। टीम ने अपना खुद का टोकन वाइटबिट टोकन जारी किया है, एक नेटवर्क टेस्ट किया है और एक रेट्रो ड्रॉप आयोजित किया है, जिससे WB नेटवर्क ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ है। प्रोजेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी को रियल इकोनॉमी में सक्रिय रूप से एकीकृत करना है और वाइटबिट टीम ने कमीशन और रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रांट अपॉर्चुनिटीज और अन्य पहल जैसे इंसेंटिव प्रोग्राम्स पेश किए हैं। ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के पास 2.8 बिलियन XRP रिजर्व्स में है, जबकि इसके यूजर्स के पास 2.7 बिलियन XRP है। दुनिया में सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अपनी सबसे हाल या प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसकी क्रिप्टो होल्डिंग्स का खुलासा किया गया है। बाइनेंस की अपडेटेड POR रिपोर्ट बताती है कि लीडिंग एक्सचेंज के पास महत्वपूर्ण मात्रा में XRP है। एक्सचेंज का नेट बैलेंस लगभग 2.8 बिलियन XRP है, जबकि इसके कस्टमर्स के पास कंबाइंड 2.7 बिलियन XRP है। इससे पता चलता है कि बाइनेंस के पास 103.5% के रेशियो के साथ अपने यूजर्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा अमाउंट में XRP है। ये निर्णय बाइनेंस की लिक्विडिटी की गारंटी देने और रिस्क को मैनेज करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है और पुष्टि करता है कि एक्सचेंज के पास 1:1 के बेसिस पर अपने यूजर्स के XRP बैलेंस को कवर करने के लिए पर्याप्त फंड्स हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3wordstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।